बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खालिद हसन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जलील है वो शख्स जिसने अपने वालदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की। आज मैंने इंटरनेट पे एक पोस्ट देखी तो यकीन करें उस पोस्ट को देखकर मेरी आंखें नम हो गई कि अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी औलाद ना दे जो वालदैन को, अपने बूढ़े माँ बाप को इस हालत में पहुंचा दे। तो आज मैं इस पोस्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं इस पोस्ट पे। बेटे को चाहिए कि वालदैन की बात तवज्जो से सुने। माँ बाप जब खड़े हों तो ताज़ीमन इनके सामने खड़े हो जाएं। जब वो किसी काम का हुक्म दे तो फौरन बजा लाएं। इन दोनों के खाने पीने का इंतज़ाम करे। नरम दिली और आजजी के साथ इनसे बात करे। अगर वो कोई बात बार बार दोहराएं तो इनसे उकता ना जाएं। इनके साथ भलाई करें, इन पर एहसान ना जतलाइए। इनकी तरफ हकारत की निगाह से ना देखें और ना ही किसी मामले में नाफरमानी करें। वालदैन की दुआएं तस्बीह के दानों की तरह होती है जो हर वक्त हर पल तस्बीह के दानों की तरह औलाद पर गिरती रहती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालदैन का फरमा बरदार बनाए और उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत करने का मौका दे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।